नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का बज रहा है 7। दोस्तों मैं सुबह का वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मेरे को दोस्तों जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। ये खेत चले जाते हैं दोस्तों, और मेरा छोटा सा बाबू भी है तो उसको भी देखना पड़ता है। प्लीज तो आप लोग देख सकते हैं बर्तन। नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बाबू की सुबह सुबह की मालिश करने जा रही हूँ। सुबह का बज रहा है दोस्तों 8। तो आप लोग को बोल सोचते होंगे कितना लेट मालिश करती है, बट दोस्तों मेरे को बहुत काम रहता है, घर का पूरा काम देखना पड़ता है। दोस्तों एक गैया भी है, उसको भी देखना पड़ता है, तो माफ़ करना मेरे माता है मेरी बहना। तो मैं चलिए बाबू की मालिश करती हूँ, चलिए दिखाती हूँ कैसे मालिश करती हूँ। अगर प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए दिखाते हैं। दोस्तों ऐसा मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसका कोई सीट ठोंके ऐसे ऐसे, ये तो फिर ये चीज ऐसे ऐसे ठोंके, इसको बहुत अच्छा लगता है। अगर रोता भी रहेगा फिर भी शांत हो जाते हैं दोस्तों, तो इसको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे बड़ों का होता है ना कि चलो सर की ऐसे दबा दो, मालिश कर दो, मसाज करो तो अच्छा लगता है, ऐसे मेरे बेटे की अभी से आदत पड़ गई है मसाज करवाने की, मालिश कराने की। कुछ भी करो, कितना भी रोए, इसका सर ठोंक दो, बहुत आराम से ये सर ठुकवाता है और बहुत मजे। देख रहे हैं कैसे सर ठुकवाने में कैसे कितना उसको अच्छा लग रहा कि अपने सर को बढ़िया मजे से नीचे कर चुका है और आनंद ले रहा है मालिश का। अभी देखना और चीज मिलेंगे तो तुरंत फट से उठ जाएगा, लेकिन सर ठुकवाने में कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे गो पैर पे अपना सर रख, चेहरे को रख के आनंद ले रहा है। बस बाबू हो गया बेटा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कैसे, आप लोगों को देख रहा है। प्लीज दोस्तों मेरे बेटे की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मालिश करते हैं इधर। दोस्तों मैंने यहाँ पे बेटे के तेल लगा दी हूँ पूरा। हेलो दोस्तों, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं एक वीडियो बनाने को 2-3 दिन से सोच रही थी, बना नहीं पाई, सॉरी दोस्तों। दोस्तों पता चला है कि बरगदवा गांव में ऐसा कांड हुआ है कि कोई भी अगर भिखारी के रूप में या बाबा के रूप में या फेरी के रूप में कोई भी आए ढूंढे, तो आप लोग प्लीज़ गेट को मत खोलें, हल्ला करके भगा दें उनको। अगर आपके घर में कुत्ता है तो प्लीज़ उसको ढील दें। दोस्तों कभी भी उनसे बात ना करें, आपने हल्ला करके बस उनको भगा दें प्लीज़ दोस्तों। जो बरगदवा पकड़े गए हैं तो पता चला कि 500 लोग की डोली निकली है, उनमें बच्चे भी महिलाएं भी हैं, उनके पास दोस्तों हथियार भी है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, अपनी सुरक्षा अपने बच्चे की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो प्लीज़ मेरी माताएं मेरी बहनें, आप मेरी वीडियो को मजाक मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। अगर आपको मेरी अगर बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको वीडियो को सेंड करूँगी, दिखाऊँगी, लेकिन मैं जितने भी आपके ग्रुप में हैं
प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैलाइए। और मेरी माताएं बहनें, आप उनसे कभी बात न करें। अगर प्लीज़ रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मेन गेट को ना खोलें, आप हल्ला कीजिए अंदर से। लेकिन कभी भी ये मत बोलना गेट खोल के कि अभी कोई नहीं है घर में, जाओ। प्लीज़ आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, आपकी, अपने बच्चे की, आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो प्लीज़ मेरी माताएं बहनें, मेरे वीडियो को मजाक मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी ऐसी घटना होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में फैलाइए इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को मजाक मत लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मजाक के रूप में मत लीजिएगा प्लीज़।